हेलो फ्रेंड्स, बहुत समय से मैं अपना लॉकडाउन स्पेशल बर्थडे व्लॉग आपके साथ शेयर करना चाहती थी, तो आइए मिलके देखते हैं कैसे मैंने मनाया अपना बर्थडे। वेलकम टू हिज एंड हर गार्डन, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। कोरोना वायरस ने जहां पूरी दुनिया में तहलका मचा कर रखा हुआ है, वहां पर 2020 से लॉकडाउन की वजह से फैमिली मेंबर्स ने काफी टाइम बाद एक दूसरे के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड किया है। मेरा बर्थडे 25 अप्रैल को होता है, बट इस साल 25 अप्रैल को संडे था। यहाँ लखनऊ में सैटरडे एंड संडे को लॉकडाउन रहता है, तो मेरे हस्बैंड फ्राइडे को ही मेरे लिए सरप्राइज बर्थडे केक ले आए। मैंने इस बार अपने बर्थडे पर साड़ी पहनी। मम्मी ने इस बार बर्थडे पर लंच में मेरे फेवरेट खस्ते और छोले बनाए और बाकी सब ने उनकी मदद की। मेरे ससुराल में हम लोग 5 मेंबर्स हैं, पापा, मेरे देवर, मेरे हस्बैंड और मैं। घर पर ही हमने खूब मौज मस्ती की। सुबह से ही मेरे पास फ़ोन कॉल्स और मैसेजेस आने लगे, सबने बहुत सी ब्लेसिंग्स और लव दिया। इस बार हम 5 मेंबर्स ने घर पर ही बहुत सी मौज मस्ती की और मिलकर अपना बर्थडे सेलिब्रेट किया। डिनर का इंतज़ाम मेरे शेफ़ पति देव का था। उन्होंने वेज चीज टोस्ट, चाउमिन, चिली पोटैटो बनाया, जिसके साथ स्ट्रॉबेरी शेक विद आइसक्रीम भी उन्होंने बनाया। हम सब ने काफ़ी इन्जॉय किया और काफ़ी क्वालिटी टाइम स्पेंड किया। लास्ट ईयर भी मैंने अपना बर्थडे लॉकडाउन में ही मनाया था, और लास्ट ईयर मेरे हस्बैंड ने खुद मेरे लिए बर्थडे केक बेक किया था। ये लास्ट ईयर की कुछ पिक्स मेरे पास मेरे फ़ोन गैलरी में सेव थी, मैंने सोचा आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूं। तो ऐसे मैंने अपना लॉकडाउन स्पेशल बर्थडे अपने ससुराल में मनाया। होप यू गाइज एंजॉयड। थैंक्स अगेन एवरीवन फॉर देयर लवली विशेस। थैंक्स अ लॉट गाइज फॉर वॉचिंग। थैंक यू।